जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। बीते दिन लुधियाना के हलका सानेवाल में सुखबीर बादल द्वारा रैली की गई। शिरोमणि अकाली दल प्रधान एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल बुधवार को लुधियाना दौरे पर रहे। उन्होंने जिला लुधियाना के विभिन्न इलाकों में 8 से 10 जगहों पर जनसभाओं को संबोधन किया, जहां आगामी विधानसभा चुनाव में मौजूदा एमएलए शरणजीत सिंह ढिल्लों को मतेवाड़ा की बड़ी रैली में फिर से हलका सानेवाल से प्रत्याशी घोषित किया। और आखिरी पड़ाव में सुखबीर बादल रात उद्यमियों से रूबरू हुए। यहां उन्होंने शहर के बड़े उद्यमियों के साथ गुफ्तगू कर उनको आ रही समस्याओं को सुना तथा नब्ज टटोलते हुए उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि पंजाब की इंडस्ट्री को आगे लाने के लिए शिरोमणि अकाली दल व बसपा सरकार बिजली व टैक्स प्रणाली आदि में आ रही समस्याओं को हल करने की हर संभव प्रयास करेगी। एक निशानी नहीं, और कांग्रेस पार्टी मैनू एक निशानी दस दे कि 4.5 साल होने वाले है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आ कीता पंजाब। एक मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान के इतिहास में जो 5 साल घरों ही नहीं निकलिया। पहला मुख्यमंत्री मैं हैरान है, हुण इस टाइम तुसी मिल नहीं सकते हो, दारू का पूरा डक्या पिया हुंदा। एक मुख्यमंत्री जिन्हों उहदे एमएलए नहीं मिल सकते, अपने मिनिस्टर नहीं मिल सकते, जिन्हों परवाही नहीं, फिक्री नहीं पंजाब के लोगों को समस्या की है, थोड़े पीने वाला पानी थोड़े घर आता है कि नहीं आता, कोई फिक्र नहीं। कोई भी बाहरली इंडस्ट्री साढ़े पंजाब में काम करने तैयार नहीं, क्योंकि जो अकालिया की सरकार थी देखो कितना काम होया, सारे नूं पता काम बहुत वधिया होया, सड़क इन्नियां वधिया पूरे पंजाब दे विच वधिया बनिया, पूरी इंडस्ट्री बड़ी वधिया तरीके नाल चली है, पर 4.5 साल में सानूं हुण लगन लग गया कि अकाली सरकार ही होनी चाहिए है। लोग अकाली सरकार याद करन लग गए, व्यापारी अकाली सरकार याद करन लग गए, क्योंकि इन्हों का जो मिलना बड़ा सौखा इन्हों, एक जो कोई बंदा इकट्ठे होकर जाते हैं उन्होंने गल मानते हैं तो उन्होंने इमीजिएटली लागू भी करते हैं। बाकी इंडस्ट्री आने वाले समय से उस प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोगों ने झूठ बोलते ने। साडा जो कॉन्टैक्ट होया इन्हों कारखाने अपने थर्मल प्लांटा के नाल 2.78 रुपये का कॉन्टैक्ट होया, इतना झूठ मारते ने। रद्द क्यों कर रहे हैं? रद्द करन मैं तो कहना ड्रामा इन्हों का, ड्रामा इन्हों का, रद्द किसी ने भी नहीं करनी। सो मैं समझा सब तो जो घट रेट के उत्ते बिजली का कॉन्टैक्ट होया तो पंजाब के होया, ये तो झूठ मारते, इन्हें कोई गल कोई कहने है नहीं। इंडस्ट्री वास्ते बहुत वड्डी गल कही उन्होंने, दसो की कहना? मैं कहना जी सूबा साडा पंजाब तरक्की नहीं कर सकता जिन्हें च इंडस्ट्री प्रफुल्लित नहीं होगी। सो लोगों को आस बच गई, सुखबीर सिंह बादल ही इंडस्ट्री को बचा सकता। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज, मधुरभाषी श्री अमृत मुनि जी महाराज, विद्याभिलाषी श्री अतिराय मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे 4 का चातुर्मास नूरवाला रोड लुधियाना में हो रहा है। आज महाराज साहेब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। वाणी में भी भूषण का प्रयोग होना चाहिए, आभूषण का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कि आपके समाज का नाम जो है दूर दूर तक जाए, लोग याद करें कि हम नूरवाला जाएं, ये बात आपके समाज में आनी चाहिए। यही चीज मैं आप लोगों से चाहता हूँ, वो क्या होगा, हम सम गच्छदम सम बददम संभो मनांसी जानतम, हम साथ चलें, साथ उठें, साथ बोलें, साथ खाएं पिएं और साथ धार्मिक गतिविधियाँ करें, उससे क्या होगा, हमारी समाज की एकता और अखंडता अलग से नजर आएगी। और जहाँ अखंडता होती है उसका जो कार्य करने का ढंग है, उसका जो प्रभाव है बहुत दूर तक जाता है, और उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिणाम है बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही सराहनीय होता है, बहुत ही प्रशंसा योग्य होता है। कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने नव तत्वों की व्याख्या की। कहने लगे पसंद कर लिया, कहते पसंद तो कर लिया,
कहते क्या मतलब, कहते किसी को कोई पसंद किसी को कोई पसंद, तीन है तीनों की पसंद अलग अलग। कहते अच्छा जा तीनों ले जाओ। तीनों क्या कर दिया उसने, दे दिए। कभी सोचो आपके जीवन में ऐसी घटना घटे तो क्या करोगे, इतना दिल होगा और आप उसको देख रहे हो और कोई जाचक आ जाए मांगे और ऐसे तीनों को पकड़ा दो, तो इसका मतलब राजा के पास कितना कुछ था लेकिन लगाव लगाव नहीं था। आपके पास वो नहीं है लेकिन अंदर परिग्रह आसक्ति कितनी बैठी हुई, चाहे राज पास में नहीं है लेकिन आसक्ति हो सकता उनसे भी ज्यादा हो, है नहीं बात अलग है। यदि होता तो फिर किसी को देखने तो नहीं देते, कहते मेरा है। तो आत्मा की शोभा परिग्रह से नहीं है, वो संतोष सबर से है। और संसार में शोभा धन दौलत से, जिसके पास ज्यादा होगा लोग इतना ही तो कहेंगे बड़ा अमीर है, यही कहेंगे ना, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कहेंगे। यदि बांटते रहोगे तो कहेंगे बड़ा उदार है, और किसी को कुछ भी ना दोगे तो लोगों ने तो उपाधि तो उन्हें कहीं से मांगनी थोड़ी है। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहिब प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। चंद्र और सूर्य ग्रहण यदि नीच दशा में हो तो कैसे ठीक करें, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिन से। चंदे सु निमल यरा आय चे सु आयं पयासरा सागर वर गंभीरा सीधा सिद्धि मंदि संतो चंदे सु निमल यरा आय चे सु आयं पयासरा सागर वर गंभीरा सीधा सिद्धि मंदि संतो चंदे सु निमल यरा आय चे सु आयं पयासरा सागर वर गंभीरा सीधा सिद्धि मंदि संतो चंदे सु निमल यरा आय चे सु आयं पयासरा सागर वर गंभीरा सीधा सिद्धि मंदि संतो चंदे सु निमल यरा आय चे सु आयं पयासरा सागर वर गंभीरा सीधा सिद्धि मंदि संतो चंदे सु निमल यरा आय चे सु आयं पयासरा सागर वर गंभीरा सीधा सिद्धि मंदि संतो। लुधियाना से सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट।
आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र तेरा पंथ भवन में तपस्वी मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी, मधुर वक्ता श्री अचल मुनि जी महाराज आदि ठाणेदों के पावन सानिध्य में वर्तमान जीवन शैली में स्वास्थ्य का महत्व और स्वास्थ्य और सुखी जीवन को उन्नत करने के लिए आवश्यक जीवन शैली अपनाने के संबंध में पूरी जानकारी हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर विश्व मोहन उपस्थित रहे। कमल नौलखा, अध्यक्ष श्री जैन श्वेतांबर तेरापन सभा लुधियाना, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज वर्तमान जीवन शैली में स्वास्थ्य का महत्व, इस विषय पर एक कार्यशाला आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र तेरापंथी भवन में रखी गई, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्व मोहन जी ने लगभग एक घंटा तक प्रोजेक्टर द्वारा विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की एवं सभी को अपने स्वास्थ्य के बारे में कैसे हम निर्वहन करें इसका आगाह किया। साथ में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल कमिश्नर संदीप कुमार जी IAS और एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स मानव बंसल जी IRS, उन्होंने भी जीवन शैली के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने भी काफ़ी जानकारी दी। सानिध्य मुनिश्री भूपेंद्र कुमार जी एवं मुनिश्री अचल कुमार जी का रहा। मुनिश्री ने भी स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी कुछ हमें बताया, सिखाया। हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, ऐसी हम सबकी भावना, ऐसी हम सबकी इच्छा। कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। टीवी के सुपरस्टार सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया को किया अलविदा। लाखों दिलों की धड़कन व टीवी के मशहूर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का आज दोपहर निधन हो गया। उनकी मौत की वजह का अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया गया है, किंतु सिद्धार्थ के परिवार की ओर से उनके मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। पुलिस ने कहा है कि 24 घंटों के भीतर ही उनकी मौत की वजह के बारे में पता चल पाएगा। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला ने टीवी सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया था, जिनमें से उन्होंने हमपट्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें ब्रेक थ्रू सपोर्टिंग परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उन्हें वर्ष 2014 में फिट अभिनेता के लिए जी अवार्ड्स गोल्ड से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने टेनिस और फुटबॉल जैसे खेलों में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था। साथ ही उन्हें समाचार देखना बहुत पसंद था। उन्होंने अपराध पर आधारित शो सावधान इंडिया की मेजबानी की थी। सिद्धार्थ शुक्ला को बालिका वधू सीरियल से पहचान मिली। उसके बाद सिद्धार्थ ने बिग बॉस 13 में भी हिस्सा लिया और बिग बॉस के शो में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज की जोड़ी ने खूब कमाल किया था और शो के विनर भी सिद्धार्थ शुक्ला थे। बिग बॉस के शो से सिद्धार्थ ने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी, पर ये किसी को नहीं पता था कि सिद्धार्थ शुक्ला इतनी कम उम्र में अचानक इस तरह से सभी को छोड़कर इतनी दूर चले जाएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर कई टीवी कलाकारों, फिल्मी सितारों और कई न्यूज चैनल के लोगों ने ट्वीट किया और सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को दुखदायक बताया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पठानकोट वार्ड नंबर 36 में कोविड 19 वैक्सीन कैंप लगाया गया। यह कैंप पार्षद गणेश की अध्यक्षता में वार्ड नंबर 36 राम पार्क में लगाया गया। इस कैंप में कोविड शील्ड की वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि विधायक अमित ब्रिज के निर्देशानुसार एवं हेल्थ विभाग के सहयोग से यह कैंप लगाया गया है। इस कैंप में 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मेरा नाम प्रीतिका सैनी है। यहाँ राम पार्क में कैंप लगा हुआ वैक्सीन का और यहाँ जिसको भी किस चीज़ की प्रॉब्लम है या वैक्सीन कोविड के रिलेटेड यहाँ पे कैंप लग रहे हैं, यहाँ पे आके वो अपना कोविड के रिलेटेड वैक्सीन लगवा सकते हैं। चार मतलब क्वार्टर रामनगर राम पार्क में दिनेश कुमार विक्की MC की ओर से कोविड का वैक्सीन का चौथा कैंप लगाया गया है और 300 से प्लस डोजेज यहाँ पर लग चुकी है। जिस प्रकार से मोहल्ला निवासी यहाँ पर अपना हर्षोल्लास वैक्सीन के लिए दिखा रहे हैं, MC साहब की तरफ से और भी कैंप यहाँ पे लगवाए जाएंगे मोहल्ला निवासियों की सुविधा के लिए। धन्यवाद। आज वार्ड नंबर 36 चार मल्ला क्वार्टर रामनगर में श्री राम पार्क के MLA श्री अमित विज के दिशा निर्देश तहत
छेवा कोविड शील्ड जोड़ा है वैक्सीन कैंप जो लगाया जा रहा है, हर कैंप 300-400 डोजेज लग रही है। हाँ जी, एम सी गणेश विखे जी अध्यक्षता दे चार मरला राम पार्क के कैंप लगाया गया, जिद हूँ तक 300+ इंजैक्शन लग चुके और हले भी कैंप कंटिन्यू है और काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। थैंक यू। जी इतने बाढ़ वैक्सीन लग रही है तो किसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पाया? नहीं नहीं, मतलब वैक्सीन जी लग रही ठीक लग रही है। तुम प्रशासन का धन्यवाद कर लो। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता हरीश रावत की तरफ से 10वें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 5 प्यारों की तुलना कांग्रेस के 4 कार्यकारी प्रधान और मौजूदा प्रधान के साथ किए जाने के विवादित बयान दिए जाने के बाद बठिंडा में सिख धर्म से जुड़े लोगों में भारी रोष देखने को मिला। शिरोमणि अकाली दल के यूथ विंग की तरफ से हरीश रावत का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया। जानकारी देते हुए यूथ अकाली दल के लोगों ने बताया कि जो कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत के द्वारा विवादित बयान दिया गया है उसकी हम सख्त शब्दों में निंदा करते हैं और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसके चलते हमारे द्वारा आज बठिंडा में अंबेडकर चौक में पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया। अगर सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। मेरा नाम दीनव सिंह है जी, मैं यूथ अकाली दल कोऑर्डिनेटर बठिंडा अर्बन। जिहड़ा अज दा प्रदर्शन है ये हरीश रावत के खिलाफ असी कीता है, जिहड़ा बड़ा मंदभागा बयान उन्होंने दिता है कल 5 प्यारियां नाल तुलना की अपने प्रधान प्रधानों की, और असी इस गल नूं लैके प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्हां ते कार्रवाई होनी चाहिए है और जल्द तो जल्द परचा दर्ज किया जाना चाहिए है जिहड़ियां कि धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुँची है। असी ये भी चाहते हैं भी देखो कांग्रेस का एक कल्चर ही रहा, पहला उन्होंने दरबार साहब से अटैक कराया, फिर पंजाब दे विच कितना कतलेआम दे कांड होया, फिर इन्हां दे लोकल भी देखा जाए तो पिछले दिन कौंसलर उन्होंने बड़े हिंदू धर्म के माड़े शब्द कहे तो वह टिप्पणियां कीतियां जिदी भी शहर के अजो इन का बाईकाट भी एक तरह का होया हुआ। सो ये जिहड़ी घटना बहुत माड़ी घटना, असी ये चाहते हैं भी जिहड़े रावत जी ने बयान दिते आ उन्होंने जिहड़ी FIR परचा दर्ज होना चाहिए, 295 की कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर श्री मुक्तसर साहिब में भी महे सिंह हॉल में जलसा किया गया और कोटकपुरा चौक में हरीश रावत का पुतला फूका गया। सर हाल ही में सारे पंजाब से देखा जा रहा किमें हरीश रावत जी जिहड़े कि AICC पंजाब के कोऑर्डिनेटर ने, पता नहीं यहोजी इन्हों के मन अंदर की यहोजी इन्हों की पार्टी की सोच आ, इन्हों की प्रतिनिधि आ कि यह सिख पंथ के विरोधी गल्लां करते हैं, इन्होंने जिहड़े साडे गुरुआं दे बख्शे हुए 5 प्यारे आ उन्हां दे नाल कोई ये लोकल लीडरां दी तुलना करती है, जे कोई इन्हां दा लीडर हुंदा ओह भी इन्हां दे सिख एंटी सिख एलीमेंट्स के खिलाफ बोलदी, इस करके असीं हरीश रावत जी का नवजोत सिंह सिद्धू जी का टोटल कांग्रेस हाईकमांड की निखेधी करते हुए इतने मुक्तसर शहर अंदर आकर उन्होंने पुतला फूकिया। असी तो यह चाहते हैं जी कि जो उन्होंने ये गल कही है भावी उन्होंने माफ़ी मंग ली, पर उन्होंने ये सोचना चाहिए कि जदों कोई गल हुंदी है वो साड़ी कौम बारे सिख कौम बारे कोई ना कोई बंदा बाहरों आके कोई यहोजा बयान दिंदा है जिदे नाल सारी कौम के दिल में ठेस पहुँचती है। असी चाहते हैं उन्होंने FIR दर्ज होवे, उन्होंने परचा होवे ते गांह तो यहोजे बंदे कदे भी कोई गलती ना करन जिहड़े कौम के खिलाफ बोलन, घट्टो नाल उन्होंने पार्टी उन्होंने तो अस्तीफा भी लेना चाहिए, असी उन्होंने अस्तीफे की मांग करते हैं, उन्होंने इंचार्ज तो भी हटाना चाहिए, जिहड़े प्रधान लाए आ उन्होंने भी हटाना चाहिए। असी इहदी कोड़े शब्दों निंदा करते हैं तो असी आप दे वल्लों ते यूथ अकाली दल वल्लों ये मांग करते हैं कि इन्हां दे बनदी कार्रवाई की जाए। बठिंडा से जुगनू शर्मा और श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 14 में पार्षद गणेश महाजन ने बुढ़ापा पेंशन के चेक बांटे। पठानकोट में पंजाब सरकार की तरफ से राज्य पेंशन नीति में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें सरकार की तरफ से चल रही पेंशन 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए तक कर दी गई है, जिसके चलते वार्ड नंबर 14 के पार्षद गणेश महाजन के द्वारा अपने वार्ड में सरकार द्वारा भेजी गई पेंशन जिसमें बुढ़ापा पेंशन, अंगहीन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आश्रित पेंशन, विधवा पेंशन आदि पेंशन के लाभार्थियों को पेंशन के चेक बांटे गए। इस मौके पर वार्ड पार्षद गणेश महाजन के द्वारा पंजाब सरकार और स्थानीय विधायक पठानकोट अमित विज का धन्यवाद किया गया। इस मौके पर केबल MC, लाडी MC, सोनू MC, देशराज MC, वार्ड के अन्य कार्यकर्ता एवं बाल विकास विभाग की ओर से सुपरवाइजर शैली आदि उपस्थित थे। MLA श्री अमित विज ते साडे जिहड़े पंजाब दे CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्हां दा धन्नवाद करने हैं क्योंकि 750 ते 1500 दे विच बहुत फर्क है,
पहले भी असी पेंशन वधे देखिया 500 तो कोई 600 हो जाती ही 600 तो 700 हो जाती ही। यह पहली वारी है कि जो पंजाब सरकार ने उपराला किया MLA साहब के योगदान के नाल कि 750 तो 100% पेंशन बढ़ा के सीधी 1500 की गई है। असी लोगों भी दसना चाहते हैं कि इस तरह ही आने वाले टाइम के MLA साहब तो पंजाब गवर्नमेंट मिल के लोगों की भलाई लिए बड़े काम कर जा रहे हैं। तो पेंशन जी है 1 अगस्त तो 1500 रुपया शुरू हो गई है। अज असी अपने मेरा वार्ड नंबर 14 मैं गणेश महाजन मैं अपने वार्ड तो 78 लोगों अज बाय चैक पंजाब सरकार वालों जोड़े 1500 रुपया बन के आए हैं वो देन जा रहे हैं। तो ये मैं दोबारा एक बारी पंजाब सरकार का साढ़े MLA श्री अमित विज का नाल ही जिन्हें भी साढ़े इंपलायर है जिन्होंने अज ये प्रोग्राम रखे जेडे पेंशन डिपार्टमेंट तो जिथे यह प्रोग्राम लिखा गया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भदरोया रोड तो इन्हों का भी मैं धन्यवाद करना। जय हिंद जय भारत। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। नोडल ऑफिसर पंजाब सरकार की तरफ से COVID-19 के चलते नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी DEO राजेश्वर सलारिया ने बताया कि अध्यापकों को स्कूल में आने के लिए वैक्सीन की कम से कम पहली डोज जरूरी है और 84 दिन बीत जाने के बाद उन्हें अपनी दूसरी डोज भी लगवानी चाहिए ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। आइए जानते हैं कि उनके द्वारा और क्या कुछ जानकारियाँ दी गई। राजेश्वर सिंह कोविड नोडल ऑफिसर पंजाब सरकार वालों एजुकेशन दे विच आही कोविड च वैक्सीनेशन दा सैंपलिंग दा सारा काम कीता और सरकार वालों जिहड़ियां हिदायतां आईआं उहदे वालों इह है कि एक डोज जिहड़ी आ उह जरूर लगी होनी चाहीदी। साढ़े जिद्दां सरकारी स्कूल हैगे आ सिर्फ साढ़े सीनियर सैकेंडरी पोर्शन दे विच 62 टीचर रह गए आ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਨ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 2121 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2059 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਗਏ 1 ਡੋਜ਼। ਤੋ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 84 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 84 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਆਫਟਰ 84 ਡੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।